स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में समझते हैं कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो कंपोनेंट होते हैं उनके साइज को अगर किसी प्रकार से डिवाइड किया जा सके तो हम सॉल्यूशन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पार्टिकल साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इस बारे में बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन बेसिकली एक तरह का सिस्टम है जो कि किसी पार्टिकल साइज की रेंज के आधार पर, यानी कि एक पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज होगा उसकी रेंज में अगर कोई सब्सटेंस का पार्टिकल आ जाता है देन वो कैपेबल होगा कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। सो, आज हम लोग जानेंगे कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स होंगे उनके साइज के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। साइज की अगर हम बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन में बेसिकली 1 नैनोमीटर से कम उनका साइज होता है। ट्रू सॉल्यूशन में बेसिकली क्या होगा, 1 नैनोमीटर से भी कम साइज होता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज है, इसीलिए हमें इनके पार्टिकल्स अपनी आँखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन में बेसिकली 1 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर के बीच में साइज होना चाहिए। या 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में कोलाइडल जो रेंज है या जो पार्टिकल साइज है वो होना चाहिए, देन वो सब्सटेंस का जो पार्टिकल होगा वो आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकता है। और सस्पेंशन में ये जो पार्टिकल साइज है वो 200 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है, तो बड़ा होता है बेसिकली। सो, इसका मतलब यही हुआ कि हम उसको आसानी से देख भी सकते हैं। अब इनके लिए फेज़ का वैल्यू, P फॉर फेज़ वैल्यू, इनके लिए फेज़ का वैल्यू 1 होता है। अब 1 का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको क्लियरली एक ही स्टेट दिखाई देगी। दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट की स्टेट क्या करेगी, डोमिनेट कर जाती है। जैसे वाटर और सॉल्ट या सिंपली शुगर का सॉल्यूशन अगर आप देखें तो वाटर में मान लीजिए सॉल्ट डिजॉल्व कर लीजिए, सिंपली नमक उसमें डिजॉल्व करिए तो नमक पूरी तरीके से उसमें घुल जाता है। सो, उसमें फिर आपको सॉल्ट का पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देता है। तो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेटिंग स्टेट किसकी हुई, वाटर कंपोनेंट की डोमिनेटिंग स्टेट हुई। सो दैट्स वाई हमें जो ओवरऑल सॉल्यूशन दिखता है वो हमें लिक्विड ही सॉल्यूशन दिखाई देता है। दैट्स वाई इस तरह के सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं, और होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए बेसिकली फेज वैल्यू 1 होता है। अब इनके लिए फेज वैल्यू मोर देन 1 हो जाता है, सेम केस इनके में भी है, मोर देन 1 हो जाएगा। अब देखिए, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बोला जाता है अगर फेज वैल्यू मोर देन 1 हो जाए। इसका मतलब है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेट प्रेजेंट है। सो दैट्स वाई सिंपल साइज का एग्जांपल है, जैसे आप क्या करिए, वाटर में सैंड मिला दीजिए तो आपको वाटर की स्टेट जो है लिक्विड स्टेट वो क्लियर नज़र आएगी, और जो सैंड होती है, बालू जो होती है, उसकी जो सॉलिड स्टेट है वो हमें एकदम क्लियर नज़र आएगी। सो, इस तरह के सॉल्यूशन को बेसिकली हम हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट इन नेचर होते हैं। इनका अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे ना तो बेसिकली ये बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, आर पार देख सकते हैं। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए क्या खास बात है, ये टर्बिड होता है। ये बेसिकली कैसा होता है, टर्बिड होता है। जैसे आप मिल्क देख लीजिए, मिल्क पैकेट में रखा हुआ आता है ना, लेकिन वो वाइट जैसा, आप क्या उसके आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो ये टर्बिड होता है। लेकिन सस्पेंशन में बेसिकली ये ओपेक हो जाते हैं, ओपेक का मतलब अपारदर्शी, आप उसके आर पार देख नहीं सकते। बढ़ते हैं आगे। इसमें पार्टिकल का साइज देखिए, ये मैंने छोटे छोटे डॉट्स बना रखे हैं यहाँ पर, तो ये पार्टिकल का साइज मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत स्मॉल साइज है, यहाँ थोड़ा और बड़ा हो गया, यहाँ और भी बड़े पार्टिकल साइज हैं, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। अब देखिए, अगर हम डिफ्यूज़न की बात करें, डिफ्यूज़न जो रेट होता है कि कौन कितना आसानी से, तो देखिए ये बहुत आसानी से बहुत फास्ट डिफ्यूज़ कर जाते हैं, क्योंकि पार्चमेंट पेपर में से अगर आपको इसे पास करना है ना, तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, ये बहुत आसानी से डिफ्यूज़ कर जाएंगे। लेकिन ये नहीं डिफ्यूज़ कर पाते क्योंकि इनके पार्टिकल के साइज़ बड़े हैं। सिमिलरली ये तो बिल्कुल ही नहीं डिफ्यूज़ कर पाएंगे, इनके तो साइज़ सबसे बड़े हैं, ये भी बहुत स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं। अब देखिए, अगर हम सेपरेशन करना चाहें थ्रू पार्चमेंट पेपर, अगर हम पार्चमेंट पेपर से सेपरेशन करना चाहते हैं, दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं, तो देखिए पार्चमेंट पेपर से सिंपली क्या है कि हम इसका सेपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, वो उसको आसानी से उस चैनल को क्रॉस कर लेंगे। लेकिन इनमें कोलाइडल सॉल्यूशन में बेसिकली बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होंगे वो फिर क्योंकि पोर साइज से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जबकि जो उसमें सॉल्वेंट होगा वो आसानी से उस चैनल को क्रॉस कर लेगा, जबकि इनको भी हम अलग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सेपरेशन बाय पार्चमेंट पेपर तो इसमें नो, हम इसमें नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों को कर सकते हैं।
ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए कोलाइडल सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए कोलाइडल सिस्टम के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि एक ऐसा सिस्टम या स्टेट जिसमें किसी पार्टिकल का जो साइज रेंज है वो 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होना चाहिए। सो कोलाइडल सिस्टम के लिए देख लेते हैं क्या बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। साइज इनका 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर या सिंपली वही 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होना चाहिए। ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। ये बेसिकली कैसा सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर मेंशन हो रही है। साथ ही साथ इनकी फेज वैल्यू 2 होगी, सिंपली दो कंपोनेंट होंगे और दोनों की आप स्टेट आसानी से बता सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि देखिए ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में ये इंटरमीडिएट का काम करता है, एक इंटरमीडिएट की स्टेट है। देखिए बहुत अच्छे से डिजॉल्व करेंगे तो अगर पार्टिकल गायब हो गया तो इसका मतलब है कि वो ट्रू सॉल्यूशन बन गया, बिल्कुल डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि सस्पेंशन है। लेकिन उन दोनों के जो बीच की एक स्टेट होगी तो इनको क्या बोलते हैं, कोलाइडर। अब सपोज करिए कि सस्पेंशन का सोल्यूशन है, उसमें पार्टिकल है, हम किसी मेथड के थ्रू क्या कर रहे हैं, उन्हें एनी हाउ एनी कॉस्ट उनको बहुत अच्छे से क्रश कर रहे हैं, बहुत अंदर उसको क्या कर रहे हैं, किसी तरह ग्राइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पीस रहे हैं। तो जैसे जैसे इसके पार्टिकल के साइज को छोटा करेंगे तो पहले ये इसमें कन्वर्ट होगा ना, डायरेक्ट तो इसमें चला नहीं जाएगा। सो दैट्स वाई हम बताना आपको ये चाहते हैं कि ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की ये इंटरमीडिएट स्टेट है। और जब भी आप ट्रू सॉल्यूशन से सस्पेंशन की तरफ जाएंगे तो भी आपको कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सिस्टम के थ्रू जाना होगा, और सस्पेंशन को जब आप ट्रू सॉल्यूशन में, इसका मतलब क्या है, इसको क्या कर देंगे, इसका साइज बड़ा है इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, और उनके साइज बहुत छोटे छोटे हैं तो इनको क्या करेंगे, एग्रीगेट करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये एग्रीगेट होगा तो भी इस स्टेट से गुजर के इसमें जाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए किसी कोलाइडल सिस्टम में बेसिकली दो फेज होती हैं, या दो एक तरह से उनकी आप कह सकते हैं एक दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ाई है। कोलाइडल भी एक बेसिकली सॉल्यूशन ही है जिसमें मान लीजिए कंपोनेंट्स होंगे। तो देखिए अब हमने एक बेसिक जो नॉलेज है हमारी, समझ लीजिए वो यही है कि किसी सॉल्यूशन के मिनिमम दो कंपोनेंट तो होंगे। पानी कोई सॉल्यूशन नहीं है, पानी इज़ अ सॉल्वेंट, वाटर एक सॉल्वेंट है, लेकिन अगर हम पानी में अगर शुगर या सॉल्ट ऐड कर दें तो फिर वो सॉल्यूशन बन गया। तो किसी सॉल्यूशन के मिनिमम दो कंपोनेंट तो होते हैं, जिसको एक को हम सॉल्यूट कहते हैं और एक को हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट हमेशा कम अमाउंट में होता है, जबकि सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब देखिए लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में जब हम इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो अलग अलग नाम से उन्हें बोलते हैं। पहला नाम है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा नाम है डिस्पर्सन मीडियम। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझना है तो डिस्पर्स्ड फेज का मतलब होता है कि जो चीज़ डिस्पर्स्ड हो रही है, जो चीज़ किसी मीडियम में जाकर डिजॉल्व हो रही है या उसमें जाकर मिक्स हो रही है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। जिसे हम आसान भाषा में समझें तो सॉल्यूट और डिस्पर्सन मीडियम बेसिकली एक मीडियम है जिसमें जाकर सॉल्यूट का पार्टिकल क्या करेगा, मिक्स होगा जाके या डिजॉल्व होगा जाके। तो इस तरह के मीडियम को ही हम डिस्पर्सन मीडियम या सिंपल सी आसान भाषा में समझें तो सॉल्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड एक आपका डिस्पर्स्ड फेज है, यानी कि एक तरह से सॉल्यूट है जिसे हमने डिजॉल्व किया है या डिजॉल्व करने की कोशिश की है बेंजीन में। अब वो बेंजीन कैसा है, डिस्पर्सन मीडियम है। अब बेंजीन के सॉल्यूशन में, बेंजीन सॉल्वेंट में बेसिकली जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो एज अ कोलाइड की तरह बिहेव करता है, जबकि सेम यही NaCl वाटर के एनवायरमेंट में वो एक क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करता है। तो अब देखिए डिस्पर्स्ड फेज हो गए NaCl और डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन। सिंपल सा है, बेंजीन में आपने सोडियम क्लोराइड डाल दिया और फिर अब उस सॉल्यूशन को बेसिकली अगर आप पार्चमेंट पेपर से उसको क्रॉस कराने की कोशिश करते हैं या उसको वहाँ से पास कराने की कोशिश करते हैं तो ये जो पैसेज है बहुत स्लो होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लोली होता है। इसी वजह से कोलाइड की एक ये प्रॉपर्टी बताई थी थॉमस ग्राहम ने कि कोलाइड ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको पार्चमेंट पेपर से उस पार्चमेंट पेपर के थ्रू अगर पास कराते हैं तो इनकी जो पैसेज है बहुत स्लो होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है, जैसे ग्लू ले लीजिए और वाटर ले लीजिए। ठीक, सिंपल सा स्टार्च ले लीजिए और वाटर ले लीजिए। इसी तरह देखिए मिल्क में भी जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो ऑयल होती है और जो डिस्पर्सन मीडियम होता है वो वाटर होता है, जबकि बटर में उल्टा होता है। बटर में वाटर आपका डिस्पर्स्ड होता है बेसिकली किसमें, ऑयल मीडियम में। इसीलिए कभी आपने देखा होगा कि जब तवा गर्म रहता है और जैसे ही आप ऑयल उसमें जो आप बटर डालते हैं तो बटर डालने के बाद क्या होता है, वो मेल्ट होता है, लेकिन साथ ही कुछ ना कुछ वेपर्स बन जाती हैं, तुरंत जो है एक भाप जैसा कुछ बन जाता है, सो वो वाटर होता है।
लेकिन जो ऑयल है वो तो इतनी आसानी से जो है क्या कहते हैं मेल्ट होगा नहीं, सॉरी बॉयल होगा नहीं या वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए आपको केवल केवल ऑयल दिखाई देता है क्योंकि गर्म होने पर उसका वाटर धीरे धीरे वेपर स्टेट में आने लगता है। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन जो होते हैं बेसिकली या कोलाइडल जो सिस्टम है वो जनरली अनस्टेबल होते हैं, सो स्टेबलाइजिंग एजेंट इज एडेड। तो बहुत सारे एग्जाम्पल में हम देखेंगे आगे चल के कि कोलाइडल सोल्यूशन में हम साथ ही में उनको ज़्यादा स्टेबलाइज करने के लिए हम उससे उसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं जो उस पर्टिकुलर या कोलाइडल सोल्यूशन को काफ़ी स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ देख लीजिए इसमें आप सिंपल से समझ सकते हैं कि डिस्पर्स, डीपी का मतलब है डिस्पर्स्ड फेज, डीएम का मतलब है डिस्पर्सन मीडियम। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई ना कोई कोलाइडल सोल्यूशन बन गया बट वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल बनाने के लिए हम इसमें क्या मिला देते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट, क्या मिला देते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट। सिमिलरली इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड का आप वाटर में अगर आप क्या करें इसका कोलाइडल सोल्यूशन बनाएं तो हमें इसमें थोड़ा सा FeCl3 मिलाना रहता है जो कि स्टेबलाइजिंग एजेंट है और इस तरह से फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे भी कि एक पेप्टाइजेशन की मेथड होता है जिसमें आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को किसी एक सूटेबल एजेंट के साथ क्या करते हैं शेक करते हैं देन वो प्रेसिपिटेट जो है कन्वर्ट हो जाता है कोलाइडल सोल्यूशन में, इसी मेथड को हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। सो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, किसी भी तरह का कोई डाउट मत रखिएगा, क्या डिस्पर्स्ड फेज होती है क्या डिस्पर्सन मीडियम होता है। इसके अलावा भी जैसे क्लाउड्स भी इसी तरह का कोलाइडल सोल्यूशन है जिसमें एक आपका डिस्पर्स्ड फेज होगी और एक डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो कोलाइडल सोल्यूशन इज नथिंग बट बेसिकली हमारी आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कोलाइडल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम क्या होता है, हम किसी कोलाइडल सिस्टम को किस तरह से डिवाइड करते हैं, कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर हम उन्हें डिवाइड करते हैं, जैसे जैसे हम डिवाइड करेंगे सॉल्वेंट के आधार पर, मान लीजिए सॉल्वेंट का मतलब डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर, जैसे एरोसॉल क्या होता है, हाइड्रोसॉल क्या होता है, ठीक ना, या जैसे इमल्सन क्या होता है बेसिकली। तो इसमें क्या होगा कि जो आपके सॉल्वेंट होते हैं जो डिस्पर्सन मीडियम होती है उसकी क्राइटेरिया के आधार पर, अब जैसे आप समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि अगर वाटर सॉल्वेंट है या डिस्पर्सन मीडियम है तो हम उसे हाइड्रोसॉल कहेंगे, ठीक है, और या इसी तरह बेंजोसॉल भी होता है, अगर उसमें बेंजीन, अगर बेंजीन सॉल्वेंट है या डिस्पर्सन मीडियम है तो हम इसे बेंजोसॉल बोलेंगे, तो NaCl प्लस बेंजीन का जो सॉल्यूशन होगा बेसिकली बेंजोसॉल होगा। इसी तरह ग्लू और वाटर का जो सॉल्यूशन है बेसिकली वो हाइड्रोसॉल होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।